हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिनेश कुमार फ्रॉम आरपी आईआईटी टेक्निकल एंड मेडिकल कैंपस करना होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस एंड लाइटिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस एंड लाइटिंग इन द रेस्टोरेंट, वी हैव द स्पेस लाइक दिस इज द चेयर एंड टेबल। वी रिक्वायर अ प्रॉपर स्पेस, that's why the movement of the guest, हमें इसके बीच में पूरा स्पेस चाहिए ताकि जो गेस्ट है, गेस्ट का मूवमेंट या स्टाफ का मूवमेंट, स्टाफ यहाँ से इजिली सालवर में कैरी करके निकल सके। दे डोंट टच एनी चेयर और टेबल, वो किसी चेयर या टेबल को टच ना करे। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, द स्पेस शुड बी यूजफुल बट नॉट वेस्टफुल। हमेशा हमें इसको ध्यान में रखना है कि जो स्पेस है वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम जब भी रेस्टोरेंट प्लानिंग कर रहे हैं, हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा स्पेस है वो प्रॉपर हो और हमारा हर एक इक्विपमेंट और एनी आर्टिकल शुड बी एट देयर राइट प्लेस। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट space। And if I am talking about the lighting in the hospitality industry or in the restaurant, lighting play a crucial role because the lighting will distract your guest or will be give a best impact on your guest. Basically, if you are using the red color, so red color is the sign of डेंजर। जो रेड कलर है वो साइन है डेंजर का, यानी कि आपको हमेशा रेस्टोरेंट में कभी भी रेड कलर है वो पेंट में यूज नहीं करना चाहिए। दैट्स गिव अ बैड इंप्रेशन ऑन योर गेस्ट। सो ऑलवेज यूज द लाइट कलर लाइक ब्लू, ग्रीन, दीज आर द कलर यू ऑलवेज यूज इन योर रेस्टोरेंट। And the space and lighting will be always depend on your interior design and decoration. So that's why your sale will be increased, more and more guests will be coming if you are going up to date your space and lighting, your interior or design and decorations. So this is the topic that is discussed by me. So thank you to all of you. Please like, share and subscribe our YouTube channel RPIIT Academics.